Hello students, you are most welcome in our physics lab. Today in class 11 we will perform practical to find force constant of a helical spring by plotting graph between load and extension. तो क्या क्या हमें apparatus चाहिए, तो helical spring और अपने को चाहिए क्या constant apparatus और उसके अंदर हाफ मीटर स्केल भी आ जाती है और हमें चाहिए 20 ग्राम का हैंगर और उसके साथ हमें 6 slotted weight भी चाहिए 20 ग्राम के pointer और hook. तो थ्योरी की बात करते हैं हम. तो ये अपने पास एक स्प्रिंग है, इसका एंड पॉइंट तो फ्री है और स्टार्टिंग पॉइंट को अपने ने क्या किया, रिजिड सपोर्ट से लटका दिया है. तो इसकी जो लेंथ आ रही है इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल एल. अब क्या कर रहे हैं, इसका एंड पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, एक लोड लगा रहे हैं, कुछ वेट हम बांध रहे हैं. तो क्या होगा, इसकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी और ये किसके बराबर होगी, ये स्मॉल एल के बराबर होगी. इसको किस तरह से पता करते हैं हम, तो ये जो इसकी सेकेंड लेंथ है इसमें से हम फर्स्ट लेंथ को माइनस कर देते हैं तो अपने पास जो है इंक्रीजिंग लेंथ स्मॉल एल आ जाती है. और ये जो इंक्रीजिंग लेंथ है स्मॉल एल, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, हम कितना वेट इसके ऊपर लगा रहे हैं, कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ से क्या रिलेशन बन रहा है, जो अपना फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल के प्रोपोर्शनल हो गया. और जब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके बराबर का साइन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, एफ बराबर के इंटू एल. यहाँ पर के क्या है, एक कॉन्स्टेंट है और इसको हम बोलते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर. और सिंपल सा ये रिलेशन, इससे हम ग्राफ बना रहे हैं एक्सटेंशन और फोर्स के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है. और इस ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम के पता कर सकते हैं. तो हम अपनी सीट पर चल के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं. यस, अब हम आ गए अपरेटस की ओर. तो ये हमारा के कांस्टेंट अपरेटस है और इसके अंदर अभी अपनी जो स्प्रिंग है इसका जो एंड पॉइंट है देख पा रहे हैं, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर आ रहा है. तो अभी इस पर कोई भी वेट नहीं है, तो पास से देख पा रहे हैं जब हमने कोई वेट नहीं लटकाया तो अपने 20 सेंटीमीटर आ रही है रीडिंग. तो फर्स्ट रीडिंग हम नोट कर लेते हैं, जब हमने कोई भी वेट नहीं लटकाया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 सेंटीमीटर आ रही है रीडिंग. और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना हैंगर लटकाते हैं. ये हैंगर कितना वेट का है, तो ये भी 20 ग्राम वेट का है. तो ये हम लटका देते हैं इस पर इस तरह से. तो अब देख पा रहे हैं अपनी रीडिंग कितनी आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है 21.4 सेंटीमीटर. तो हम नोट कर लेते हैं 20 ग्राम पे कितना आ रहा है, 21.4 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं पास से, 21.4 देख पा रहे हैं इस तरह से. अब क्या करेंगे, हम वेट बढ़ाएंगे. तो ये अपने 20 ग्राम के वेट है स्लॉटेड वेट, तो हम इस पर और ऐड कर देते हैं तो इस तरह से. तो अब इस पर टोटल हो गया अपना 20 ग्राम, तो 40 ग्राम हो गया. और इधर वेट आ रहा है अपना, इधर रीडिंग आ रही है 23.5. तो इसको नोट कर लेते हैं हम, टोटल अपने पास 40 ग्राम हो गया है और कितना वेट रीडिंग आ रही है 23.5. पास से देख पा रहे हैं ये वेट अपना 40 ग्राम और इसके लिए अपने पास रीडिंग आ रही है 23.5 देख पा रहे हैं 23.5 सेंटीमीटर. तो ये अपनी सेकंड रीडिंग हो गई. और थर्ड रीडिंग सिंपली क्या करना है, फिर से हमें 20 ग्राम वेट और बढ़ाना है. तो ये 20 ग्राम का अपना सोलोटेड वेट इसमें और ऐड कर देते हैं हम इस तरह से आराम से. और रीडिंग कितनी आ रही है अपनी, यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जैक्ट अपनी 26 पर आ रही है. तो नोट कर लेते हैं हम टोटल कितना हो गया अपना, 20, 40, 60. तो 60 ग्राम पे हो रहा है अपना 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर. पास से देख पा रहे हैं 60 ग्राम वेट के लिए अपने पास रीडिंग आ रही है 26 यानी 26 आ रही है. ये देख पा रहे हैं इस तरह से. और इस तरह से हम दो ऑब्जर्वेशन वो ले लें, तो ये 20 ग्राम और ऐड कर देते हैं हम. तो इसको हम इजीली इस तरह से देखते हैं तो यहाँ कितना आ रहा है, 28.5 सेंटीमीटर आ रहा है. तो 80 ग्राम के लिए अपने पास आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं अपना 80 ग्राम पे. ये देख पा रहे हैं एक बाट और एक दो तीन चार चार यानी 80 ग्राम हो रहा है. 20-20 ग्राम के अपने पास चार बाट है और यहाँ पर आ रहा है अपना 28.5 यानी 28.5. और थोड़ा सा हम और ऐड कर देते हैं तो ये 100 ग्राम हो गया है. तो देख पा रहे हैं 100 ग्राम वेट हो गया है. और अब कितनी रीडिंग आ रही है, तो 30.7. तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 30.7 यानी 30.7 सेंटीमीटर हो गई. देख पा रहे हैं 100 ग्राम पे कितना आ रहा है अपना,
100 ग्राम पर आ रहा है अपना 30.7, 30.7। तो देख पा रहे हैं स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जा रही है जिससे हम वेट बढ़ा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो लेंथ में इंक्रीजिंग हुई है L और अपना वेट जो हमने बढ़ाया है 20-20 इस बीच में ग्राफ बनाएंगे और फिर हम इससे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट पता करेंगे। यस, अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिया है सीरियल नंबर और उसके बाद लिया है लोड सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग। तो हमने ग्राम में लिया है, ये अपना अप्लाइड फोर्स है और उसके बाद अपने रीडिंग ऑफ पॉइंटर और उसके बाद एक्सटेंशन कितना हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, कोई भी वेट नहीं लगाया था, तो 0 ग्राम अपना वेट है और उसके लिए अपने पॉइंटर की रीडिंग आ रही थी 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं आएगा। और जब हम इसके ऊपर जो है एंगल लगाते हैं 20 ग्राम का, तो अपनी रीडिंग क्या है 20 सेंटीमीटर से आ जाती है, 21.4 सेंटीमीटर पर आ जाती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना एक्सटेंशन कितना हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं 20 माइनस करेंगे 21.4 में से, तो अपने पास एक्सटेंशन आ जाता है 1.4 सेंटीमीटर। और जब हम क्या करते हैं 20 ग्राम और ऐड करते हैं, यानी अपने पास जो लोड है वो 40 ग्राम होता है, तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है 23.5, यानी एक्सटेंशन कितना हो गया, 20 माइनस करना है 23 में से, तो अपने पास आ रहा है 3.5। और इसी तरह आपने क्या किया था, जब 20 ग्राम और ऐड किया था तो 60 ग्राम अपने पास लोड हो गया था और रीडिंग आ रही थी अपने पास 26, तो अपने पास एक्सटेंशन एल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अपन क्या कर रहे हैं, जब 20 ग्राम और ऐड करते हैं यानी 80 ग्राम अपने पास लोड हो जाता है, तो अपने पास रीडिंग आ रही थी 28.5, यहाँ एक्सटेंशन हो रहा है 8.5 सेंटीमीटर। यानी जब हमारे पास लोड 100 ग्राम हो जाता है तो यहाँ पे रीडिंग आ रही थी अपने पास 30.7 सेंटीमीटर, यानी एक्सटेंशन कितना हो गया 10.7 सेंटीमीटर। और हमने क्या किया, यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग की अलग अलग रीडिंग नोट नहीं की, हमने सिर्फ एक रीडिंग नोट की है क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग दोनों में हमारी रीडिंग सेम ही आ रही थी। और इस तरह से अपने पास क्या आ गया, एल आ गया। और अब क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है लोड और एक्सटेंशन के बीच में। तो ये रीडिंग का हमने यूज़ में लेते हुए ग्राफ बनाया इस तरह से। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्केल, स्केल को देखिए। तो हमने क्या किया, एक्स एक्स पे लिया है 1 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा डिवीज़न लिया है हमने, 20 ग्राम वेट लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया, वाई एक्स पे लिया है 1 सेंटीमीटर, अपना 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन लिया है। तो देख पा रहे हैं इस तरह से अपने पॉइंट आते हैं। तो जब हमने क्या किया था, 20 ग्राम अपना लोड लगाया था, तो अपने पास रीडिंग आई थी 1.4, तो यहाँ पर अपने 1 और ये 0.4। उसके बाद 40 ग्राम पर आई थी अपने पास 3.5 और उसके बाद अपने पास 60 ग्राम पर आई थी अपनी 6 सेंटीमीटर और 80 ग्राम पर आई थी अपने पास 8.5 सेंटीमीटर और अपने पास 100 ग्राम जो हमने लोड लगाया था उसके लिए आ रही थी 10.7, तो ये 10.7। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको स्केल से मिलाना है। तो ये सारे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो हम इस तरह से स्केल लगा करके इनको मिला देते हैं यूँ। और अब हमें क्या करना है, के कांस्टेंट पता करना है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं इस ग्राफ के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से देख पा रहे हैं अपने पास फोर्स पर आ रहा है 20 पे और इधर आ जाएगा अपना 100 पे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस तरह से। और इसी तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट से हम इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपना एक्सटेंशन पे, तो यूँ, और अपना इधर इस तरह से। और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रायंगल की फॉर्म में बना देते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये अपना ट्रायंगल बन जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेंथ है अपनी, ये हो गई अपने पास डेर एल और ये वाली किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी यहाँ से। और इसके बाद अपने को चाहिए डेल एफ़, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने पास लेंथ आ जाएगी डेल एफ़। और हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखो, तो दोनों एक साथ देख पा रहे हैं आप, कैलकुलेशन के अंदर हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है फोर्स बराबर क्या होता है, के इंटू एल। तो यहाँ से अपने पास स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू आ जाएगी डेल एफ डिवाइड बाई डेल एल। और यहाँ पे अपने को पता है डेल एफ कितना आ रहा है, तो 100 माइनस अपन क्या करें, ये 20 माइनस करें, तो अपने पास डेल एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ रही, 80 आ रही। और यहाँ पे इसी तरह हम क्या करें, डेल एल यानी कि ये लेंथ किससे माइनस करेंगे अपन, तो ये अपने पास 10.7 माइनस अपन क्या करें 1.4 माइनस करेंगे, तो अपने पास आ रहा है 9.3। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं, 80 को जब हम 9.3 से डिवाइड करते हैं, तो अपने पास आ जाता है 8.6021 ग्राम वेट पर सेंटीमीटर। यानी अपनी जो स्प्रिंग है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन करने के लिए अपने को 8 ग्राम
कि लगभग अपने को वेट लगाना पड़ेगा, और वो क्या है, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। तो बड़े आराम से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।